पुतिन के घर में करीबी दिमित्री मेदवेदेव की सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। अब जेलेंस्की को खत्म करना ही होगा, मेदवेदेव ने कहा। मेदवेदेव के विजुअल दिखाइए, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मेदवेदेव ने कहा। क्रेमलिन पर आतंकी हमला हुआ है, मेदवेदेव ने कहा। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, और बिग बॉल के साथ नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा। आखिरी रास्ता जेलेंस्की का खात्मा, दिमित्री मेदवेदेव बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और रशियन संसद के स्पीकर ये देखिए, जेलेंस्की का फिजिकल खात्मा ही एकमात्र रास्ता है, ये इन्होंने बोला है। राहुल थोड़ा वॉल दिखा देते हैं हम लोग यहां पे, कीव का आतंकी सत्ता को नष्ट करना होगा, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, अब वही, अब वह बिना शर्त सरेंडर करे तो भी माफी नहीं, अब रूस बड़े हथियारों का इस्तेमाल करे, ये इन्होंने कहा। ये देखिए वॉर रिटोरिक्स कैसे चल रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, क्रेमलिन अटैक में यूक्रेन शामिल नहीं, जेलेंस्की ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ, क्रेमलिन एपिसोड पर जेलेंस्की का बड़ा दावा, जेलेंस्की के शॉट्स, हमारे पास मॉस्को पर अटैक के लिए हथियार नहीं, जेलेंस्की ने कहा। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्रेमलिन अटैक पर जेलेंस्की की ना, ये बड़ी खबर है। क्रेमलिन में जो हुआ उसमें यूक्रेन शामिल नहीं है, जेलेंस्की ने ये कहा। सीधे देखिए, अब आप, मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए, हमने पुतिन या मॉस्को पर अटैक नहीं किया, जेलेंस्की ने ये कहा। हमारे पास मॉस्को तक अटैक करने वाले हथियार नहीं है, हम किसी भी इंटरनेशनल जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन को और बढ़ाई जाएगी पश्चिमी मदद। ब्रेक करें राहुल यहीं से, इस वक्त की बड़ी खबर, क्रेमलिन एपिसोड के बाद खुलकर जेलेंस्की के सपोर्ट में वेस्ट, विद द विजुअल्स राहुल। यूरोपीय देशों के प्रमुखों ने कीव को सपोर्ट करने की बात कही राहुल, जो थोड़ी देर पहले आपने अटैक विजुअल दिखाए थे वो दिखाइए यहां पर। अमेरिका ने भी कहा अपनी जमीन वापस लेगा यूक्रेन। सीधे बिग वॉल पर आइए, जेलेंस्की को पश्चिम का भरोसा, यूक्रेन मानवीय मूल्यों और लोगों के लिए लड़ रहा है, ये कहा इन्होंने। नेक्स्ट दिखाइए, अब ये इनका कहना है, नॉर्वे का, फिर यूक्रेन को हम आज भी और कल भी हर तरह से सपोर्ट देंगे, ये डेनमार्क की पीएम ने कहा है। हम सब मिलकर यूक्रेन की मदद करेंगे, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है।